हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस अभी के इस नई वीडियो में। और यह हमारा सीरीज चल रहा है एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज एडिटेरिया का। तो इसमें आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9th। इससे पहले 8 सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर वो देखें पहले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ ही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द कलसा, इन विच स्टेट इज द कलसा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, ए प्रोजेक्ट टू कनेक्ट महादई रिवर वाटर टू द माला प्रवाह रिवर थ्रू द कलसा एंड बंदूरी कैनाल्स बीइंग रन। तो सवाल ये पूछ रहा है कि किस राज्य में एक प्रोजेक्ट चलाया गया है कलसा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या बोलता है कि टू कनेक्ट महादई रिवर वाटर टू द माला प्रभा रिवर। महादई रिवर से कहाँ ले जाना है पानी को, माला प्रभा रिवर में। कैसे ले जाना है, थ्रू द कैनाल्स कलसा एंड बंदूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट कर्नाटका। तो ये कर्नाटका में प्रोजेक्ट यू नो चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है कि प्रजवाला चैलेंज हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री टू इनवाइट आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। तो आइडिया और सॉल्यूशंस को इनवाइट करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने प्रजवाला चैलेंज स्टार्ट किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने प्रजवाला चैलेंज स्टार्ट किया है टू इन्वाइट आइडियाज एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर to be posted in Siachen। तो सियाचिन में पोस्टिंग होने वाली सबसे पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है, कौन बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है। तो कैप्टन शिवा चौहान बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन सियाचिन, कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील रिसेंटली। तो ब्राजील के नए प्रेसिडेंट रिसेंटली कौन बने हैं, ये बने हैं लूला डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, लूला डी सिल्वा न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्रीज फुटबॉल क्लब अल नसर हैज ज्वाइन पोर्चुगल स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो किस कंट्री के फुटबॉल क्लब है, मतलब जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो किस कंट्री के क्लब अल नसर को ज्वाइन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया का क्लब है, फुटबॉल क्लब है अल नसर, उसमें ज्वाइन किया जाकर कौन, पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द इनक्यूबेशन सेंटर एट नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर्स इन टू प्रोवाइड मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स। तो क्या हुआ ना, मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किसे, स्टार्टअप्स को। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनोग्रेट किया है इनक्यूबेशन सेंटर एट नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कहाँ पे है, तो ये किया है सी न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7th। द कंट्रीज फर्स्ट इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स हैज बीन स्टार्टेड इन अमरेली ऑफ विच स्टेट। अमरेली में किया गया है, तो आपको बताना है कि किस राज्य में ये पहला, देश का पहला इन विट्रियो मोबाइल यूनिट एनिमल के लिए स्टार्ट किया गया है। और तो यह किया गया है गुजरात में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन विच सिटी वाज द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यह किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया, नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा वाज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 2 ईयर्स। तो लगभग 2 साल के बाद धनु यात्रा ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि क्या है, ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है, लार्जेस्ट, दुनिया का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है। तो आपको बताना है किस राज्य में किया जाता है, यह किया जाता है डी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इनिशिएटिव जग मिशन हैज बीन अवार्डेड द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस स्टेट के इनिशिएटिव जग मिशन को अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। तो यह दिया गया है बी उड़ीसा। तो जग मिशन किसे संबंधित है, उड़ीसा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन ऑफ बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द वोटर्स। तो वोटर्स के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने किसे स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है बिहार में, आपको ये बताना है। तो ये नियुक्त किया है मैथिली ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया बाय बॉलिंग एट द स्पीड ऑफ 155 किलोमीटर पर आवर। तो कौन बॉलर जो है फास्टेस्ट बॉलर बन गया है इंडिया का, जो कि 155 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जिन्होंने बॉल फेंकी है, गेंद फेंकी है। इसका आंसर हो जाएगा सी उमरान मलिक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मोहम्मद इरफान अली वन ऑफ द 21 रेसिपिएंट्स ऑफ द 17th प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपको यह बताना है कि जो 17th प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया, तो टोटल 21 रेसिपिएंट को दिया गया, उसमें से एक थे मोहम्मद इरफान अली। तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे, तो मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्हें 21 में से टोटल 21 रेसिपिएंट में से एक ये भी थे टू गेट द 17th प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। ये थे आपको हो जाएगा गुयाना। तो ये गुयाना के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इन गुजरात। तो गुजरात में किस कंपनी ने पहला, इस देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ये किया है BNTPC ने। कहां पे किया है, गुजरात में। क्या किया है, तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज अवार्डेड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यू यॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्किल। न्यूयॉर्क में जो फिल्म क्रिटिक सर्किल अवार्ड इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, तो उसमें बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे दिया गया, ये दिया गया SS राजामौली को। चलते अपने अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली इनॉग्रेटेड द बेली सस्पेंशन ब्रिज ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या किया, वर्चुअली इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया है किस चीज का, तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का, बेली सस्पेंशन ब्रिज का। ऑन विच रिवर, आपको रिवर का नाम बताना है, इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक नदी के ऊपर एक बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का। तो किस नदी के ऊपर यह ब्रिज बनाया गया है, यह बनाया गया है चेनाब रिवर के ऊपर। तो चेनाब रिवर के ऊपर क्या बनाया गया है, बेली सस्पेंशन ब्रिज, कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। हमारे देश का पहला राज्य जो कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन चुका है, इंडियाज फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी केरला, ठीक है। तो केरला हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इन विच सिटी द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन समिट ऑफ G20 वॉज ऑर्गेनाइज। क्या बोल रहा है कि किस शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो एक समिट हुआ है G20 का, सारे ग्लोबल पार्टनर्स आए थे, तो ये किस शहर में हुआ है, आपको ये शहर का नाम बताना है। तो ये हुआ है बी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। किस शहर में, किस राज्य में 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है, 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये कहां पे हुआ, ये हुआ है कर्नाटका में, 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, RRR सॉन्ग नाटू नाटू वन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट द 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स इन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी कंपोज्ड बाय। सीधे से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो नाटू नाटू सॉन्ग है जिसे 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में, ये किसने कंपोज किया था इसे, ये कंपोज हुआ था MM किरवानी ने, ठीक है। तो 20 का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा रिलीज बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। अब जो रिसेंट रिपोर्ट रिलीज किया गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, तो इस रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हमारे देश में 2022 में कौन रहा है,
इसका आंसर हो जाएगा बी दिल्ली। तो दिल्ली वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी एज पर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट रिलीज इन जुलाई 2022 लेटेस्ट रिलीज। ठीक है, क्वेश्चन 22 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन डेवलप्ड बाय स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स दैट कैन फ्लाई फॉर 5 आवर्स विद अ पेलोड ऑफ 10 kg एट अ टाइम। आपको उस ड्रोन का नाम बताना है जो कि इंडिया का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन है। ठीक है, डेवलप किसने किया है? तो एक स्टार्टअप है, IG ड्रोन्स ने डेवलप किया है इस ड्रोन को। और इसकी खासियत क्या है कि दैट कैन फ्लाई फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे तक वो उड़ सकता है विद अ पेलोड ऑफ 10 kg एट अ टाइम। एक बार में 10 kg का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ सकता है। उस कंपनी का नाम क्या है जिसने डेवलप किया है स्टार्टअप का नाम? IG ड्रोन्स, और ये 5G इनेबल्ड है। तो आपको उस ड्रोन का नाम बताना है, उस ड्रोन का नाम है स्काई हॉक सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच द फॉलोइंग इंडो अमेरिकन एरोस्पेस एक्सपर्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा। तो क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो अमेरिकन एरोस्पेस एक्सपर्ट, इंडो अमेरिकन एरोस्पेस एक्सपर्ट है जिसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा, नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में। आपको उस इंडो अमेरिकन एक्सपर्ट का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी चारनिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्वाति सिंह वॉज अवार्डेड द एकलव्य अवार्ड फॉर द ईयर 2022 टू विच फील्ड डज सी बिलोंग टू। स्वाति सिंह जिसे एकलव्य अवार्ड मिला गया है 2022 के लिए, आपको बताना है स्वाति सिंह किस फील्ड से संबंध रखती है। तो ये रखती है साइकिलिस्ट से। स्वाति सिंह क्या चलाती है? साइकिल चलाती है, और एकलव्य अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए। चलते अपने सवाल क्वेश्चन 25 की तरफ। हु फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज? एमवी गंगा विलास विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम वाराणसी एंड ट्रेवल अबाउट 3200 किलोमीटर एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन डिब्रूगढ़ इन असम वाया बांग्लादेश। तो क्या बोल रहा है कि किसने दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज क्या नाम है? एमवी गंगा विलास। तो नाम याद रख लीजिए, क्योंकि नाम पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज कौन सा है, तो एमवी गंगा विलास है। ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? तो वाराणसी में स्टार्ट हुआ है। कितना ट्रैवल करेगा? तो 3200 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। और डेस्टिनेशन क्या है? तो आसाम दिब्रूगढ़ है, मतलब पास होते हुए जाएगा। और फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? बांग्लादेश है। तो किसने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन 26 की तरफ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023? तो एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023 के बारे में पता लगाना है। इट वॉज ऑर्गेनाइज एट तमिलपुर इन असम। तो सही बात है, तमिलपुर असम में हुआ था ये। ठीक है, इंडिया मेन्स टीम बिकेम द विनर बाय डिफीटिंग नेपाल। तो इंडिया की जो मेन्स टीम थी नेपाल को हराकर विनर बनी है। बिल्कुल सही बात है, बनी है। द इंडियन वेमेन्स टीम वन द टाइटल बाय डिफीटिंग नेपाल। तो इंडियन की वेमेन्स टीम भी नेपाल को हराकर विमेन बनी। दोनों तीनों ही सही है। तो आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ऑन 15 जनवरी 2023 आर बोनी गैब्रियल बिकम मिस यूनिवर्स 2022। सी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो 15 जनवरी 2023 को क्या हुआ है? आर बोनी गैब्रियल क्या बनी है? मिस यूनिवर्स 2022 बन गई है। तो 2022 की मिस यूनिवर्स आर बोनी गैब्रियल किस कंट्री से बिलोंग करती है? आपको उस कंट्री का नाम बताना है। तो उस कंट्री का नाम है बी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 वॉज रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड टू रिलीज अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प एज पार्ट ऑफ 75th नेशनल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन विच इंक्लूड द पोर्ट्रेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस देश ने अभी डिसाइड किया है कि रिलीज अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प, एक कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प रिलीज करने का ये डिसाइड किया गया है एज पार्ट ऑफ 75th नेशनल इंडिपेंडेंस डे, जो 75वां नेशनल इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, विच इंक्लूड्स जिसमें क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उसमें पिक्चर है। तो ये किया है श्रीलंका ने। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू हैव ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस्ड 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्टार्टअप। क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है कि विदिशा डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर क्या हुआ है कि ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट किया गया है एडवांस्ड 5G यूज केसेस। तो 5G का केसेस होता है ना, वो डिप्लॉय किया गया है ऑफर्ड बाय एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्टार्टअप। जो उस सर के जो एस्पिरेशनल स्टार्टअप थे उन्होंने डिप्लॉय किया है इस विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको बताना है कि किस स्टेट में है, बेसिकली विदिशा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है। तो ये है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 31, रिसेंटली हु बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। हाल ही में सबसे यंगेस्ट बैट्समैन खिलाड़ी क्रिकेटर बैट्समैन बन गए हैं टू फॉर्म टू स्कोर डबल सेंचुरी, दोहरा शतक लगाने वाले इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी। तो ये बन गए हैं शुभमन गिल ने। तो शुभमन गिल ने दोहरा सेंचुरी लगाया था, डबल सेंचुरी, ठीक है। क्वेश्चन 32 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ गर्ल्स फॉर टेक स्टेम इनिशिएटिव इन इंडिया। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है सेकेंड फेज गर्ल्स फॉर टेक स्टेम इनिशिएटिव इन इंडिया? तो ये लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने, याद रखिए, गर्ल्स फॉर टेक इन स्टेम बाय मास्टर कार्ड। तो ये बेसिकली इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव है गर्ल्स एजुकेशन पे, ठीक है ना। तो उस पर स्टार्ट किया है मास्टर कार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हैज अनाउंस्ड द लॉन्च प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट। लॉन्च क्या लॉन्च किया है HUL ने, प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट इन कोलेबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर HUL ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट। तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। तो उसका नाम है BU, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, द फिफ्थ कलवाड़ी क्लास सबमरीन वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी ऑन January 23, 2023। तो आपको नाम बताना है जो फिफ्थ कलवाड़ी क्लास सबमरीन था जो हाल ही में कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में 23 जनवरी को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा BINS वजीर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू हाउ मेनी चिल्ड्रन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया है, दिया है टू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। क्या दिया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन्हें दिया है? टू चिल्ड्रन को। आपको बताना है कितने बच्चों को दिया है। इसका आंसर हो जाएगा B, 11 बच्चों को दिया है ये अवार्ड। 11 बच्चों को ये अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। किसने दिया है? तो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी वॉज द चीफ गेस्ट ऑन द 74th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो 74वें रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के अवसर पे हमारे यहाँ एक कंट्री के प्रेसिडेंट आए थे जिनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी। तो आपको बताना है इनके कंट्री का नाम, इनके कंट्री का नाम है डी, इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द 6-day मेगा इवेंट भारत पर्व। तो किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है 6 दिवसीय मेगा इवेंट, 6 दिवसीय मेगा इवेंट, क्या नाम है? भारत पर्व एट द लॉन्च ऑफ रेड फोर्ट फ्रॉम January 26 to 31। तो 26 से 31 जनवरी के बीच में रेड फोर्ट के लॉन में भारत पर्व के नाम से एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है। तो उस मिनिस्ट्री का नाम है सी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। भारत पर्व मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कहाँ पे? रेड फोर्ट। कितने दिन? 6 दिन। क्वेश्चन 38 देखते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन द 25th जनवरी 2023। तो 25 जनवरी 2023 को वेयर वाज द फर्स्ट इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस, इंडिया का पहला स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ है ए, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन 39 देखते हैं, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द ICC मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2022। तो 2022 के लिए, ईयर 2022 के लिए मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है सी, सूर्य कुमार यादव को। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए मिला है सूर्य कुमार यादव को।
सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इंडिया फर्स्ट नेजल कोविड 19 वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक वाज लॉन्च्ड बाय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। तो हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया ने क्या लॉन्च किया है? नेजल, इंडिया का पहला इंडियन नेजल कोविड वैक्सीन जिसे भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। तो आपको उस वैक्सीन का नाम बताना है, तो उसका नाम हो जाएगा इनकोवैक। तो जो हमने थ्योरी वाली क्लास ली थी उसमें बताया भी था, उसमें पूरा एक रिपोर्ट हमने देखा था सारे वैक्सीन के बारे में। तो अगर आप वो थ्योरी वाला सीरीज नहीं देखे तो जाकर वो देखे पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। विच कंट्री डिफीटेड बेल्जियम टू विन द FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल हेल्ड एट द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जो फाइनल हुआ था मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, उसे किसने जीता था, मतलब बेल्जियम को किसने हराया था? तो बेल्जियम को हराया था, इसका आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी ने। तो जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के ये वर्ल्ड कप जीत लिया था, अपने नाम कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इन विच सिटी वॉज द 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज। तो 30वां नेशनल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आपको उस शहर का नाम बताना है जहां पे ये ऑर्गेनाइज किया गया है। तो उस शहर का नाम है बी अहमदाबाद। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज द इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस कहां इनॉग्रेट किया गया है, कहां शुरुआत की गई है इसकी? तो इसकी शुरुआत की गई है केरला में। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस कहां पे किया गया है? केरला में। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इन विच स्टेट डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको बताना है किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन वाज इनॉग्रेटेड, उसको उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, डी। तो वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। हाल ही में किस टेनिस प्लेयर ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया गया है फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा ले चुकी है रिटायरमेंट प्रोफेशनल टेनिस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ए मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस, ए मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल ऑफ आदि सौर्य पर्व पराक्रम का, आदि सौर्य पर्व पराक्रम का वॉज ऑर्गेनाइज एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन टू मार्क द 126th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वें जन्मदिन के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्या ऑर्गेनाइज किया गया है? एक मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल जिसका नाम था आदि सौर्य पर्व पराक्रम का, ठीक है। तो आपको बताना है ये किस शहर में है, तो यह हो जाएगा सी न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन 47 देखते हैं। विथ विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड द यंग प्रोफेशनल स्कीम अंडर विच इंडियन यूथ विल नाउ बी अलाउड टू स्टे एंड वर्क फॉर 2 years विदाउट एनी स्पॉन्सर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंडिया ने हाल ही में एक कंट्री के साथ क्या किया है, क्या अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत यंग प्रोफेशनल स्कीम, इसका नाम क्या है इसी स्कीम का, यंग प्रोफेशनल स्कीम। इसके तहत क्या होगा, कोई भी इंडियन यूथ, इंडिया का जो यूथ होगा जो, वो किसी भी मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री में जाकर रह सकता है, 2 साल के लिए काम कर सकता है बिना किसी स्पॉन्सर के, ठीक है। सरकार उसको मदद करेगी। तो ये आपको किस कंट्री के साथ, तो ये हुआ है ब्रिटेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इन विच स्टेट द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 विद अ रेंज ऑफ 350 किलोमीटर वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO ऑन 10th जनवरी 2023। तो 10 जनवरी 2023 को DRDO ने क्या किया है, टेस्ट किया है एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 जिसका रेंज कितना है, 350 किलोमीटर। तो आपको बताना है किस स्टेट से ये टेस्ट किया गया है, ये किया गया है उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। वेयर हैज सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक मेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 105 feet लॉन्ग हॉकी स्टिक मेड ऑफ सैंड। आपको ये बताना है कि एक सैंड आर्टिस्ट है जिसका नाम है सुदर्शन पटनायक, उन्होंने क्या बनाया है, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट 105 feet लॉन्ग हॉकी स्टिक। तो दुनिया का सबसे बड़ा 105 फीट है लॉन्ग हॉकी स्टिक बनाया है सैंड से,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि कहाँ पे बनाया है ये, तो ये बनाया उड़ीसा में। चलते अपने अगले और आखिरी सवाल पे इस सेट के, क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 9 के। हु हैज रिसेंटली बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन T20 इंटरनेशनल। तो T20 इंटरनेशनल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट अगर कौन से खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये बन गया है युजवेंद्र चहल। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे 50 क्वेश्चन सेट नंबर 9 के। अब अगले सेट में हम देखेंगे सेट 10, 11, 12, 3 सेट और बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।